हेलो गाइस, तो गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बढ़िया हो गए। तो गाइस आज है क्या डेट? 31/7, मतलब मेरा लास्ट व्लॉग मतलब 15-20 दिन पहले आया होगा। और कौन सा आया था? आई थिंक मेरे बर्थडे वाला। यस। और शिवानी देखो ये रही। हेलो एवरीवन। तो 15 दिन में खा के काफी मोटी हो गई है। इससे ज्यादा नहीं। मेरी दाढ़ी वाड़ी भी काफी बड़ी हो गई, कटवाई वटवाई है नहीं मैंने अभी। तो एक्चुअली गाइस व्लॉग शूट करने का एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिलता था, थोड़ा बिजी था। बहुत ज्यादा बिजी होता था। आप ही बोल दो, मैं नहीं बोल रहा था। नहीं, मैं तो कह रही थी ज्यादा बिजी है कि बता नहीं सकती मैं, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। मैं सच में गाइस मेरे पास कोई बिजी मतलब बिजी था, मैं टाइम कम होता था इसलिए शूट नहीं कर पाता, बिकॉज ऑफिस में भी प्लस सुबह शाम बरसात होती रहती थी। अभी लास्ट अहमदाबाद में लास्ट 10-15 दिन में कंटिन्यू डे सुबह शाम बरसात हो ही रही है। ऑफिस से ही नहीं निकल पाते, इतनी तेज बरसात होती, पानी भर जाता है, तो कभी गौर तो निकल ही नहीं पाते, लेट हो जाता है। सो वही जिम विम भी नहीं बहुत कम जा पाया, क्योंकि सुबह उठो तो देखो तो बाहर बरसात हो रही है। मेरा बहुत कम नहीं गए, कम से कम 15 दिन से एक बार भी नहीं गए। आज गया, आज मौसम खुला हुआ है तो आज गया मैं। तो देर याद रखनी पड़ेगी मुझे, कब जाते कब नहीं जाते हैं। जिम वाला भी सोच रहा होगा कितना मस्त, मतलब ये पैसे भी भर रहा है और आता भी नहीं है। क्या सोच रहा होगा वो? तो जब आते हैं तो हम घंटे नहीं जाते हैं, ठीक है? वो पता है मुझे, जब शादी हुई ना गाइस सबसे ये बोलते थे पहले मुझे कि मैं डेली जाता हूँ, मैं डेली 5 बजे उठ के जाता हूँ। तो और अब जब से मैं आई हूँ तब से तो मैंने एक बार भी नहीं देखा। गजब बेइज्जती है। ये कभी मेरी तारीफ नहीं कर सकती, कभी मेरी तारीफ नहीं कर सकती। सुबह जल्दी उठता फिर भी नहीं। खुद क्या करते जल्दी उठा? हाँ मैं कुछ नहीं करती, मैं सारा काम ये कर देती। और बाहर देखो, मम्मी को दिखा दो, मम्मी बाहर बैठी है। तो आज काफ़ी दिनों बाद मम्मी ये रही। हेलो मम्मी, व्हाट्सअप। तो गेहूँ साफ करनी है मम्मी यहाँ पे। और विक्की गया है आज ड्यूटी संडे को भी, बिकॉज उसको कभी कभार बुला लेते हैं, उसके ऑफिस वाले बहुत ख़राब हैं। पेमेंट तो उसकी सैलरी तो उतनी आती है, बस एक्स्ट्रा दिन मतलब मंथ में चार संडे होते हैं, तो चार में से एक तो ये जाना ही है उसको। और कुछ मंथ एंड भी होता है, उसका काम होता है ज़्यादा। और अब भी बज रहे हैं, टाइम क्या हुआ है, फ़ोन का है मेरा ये रहा। यस गाइस, अभी बज रहे हैं 10:12। तो अभी सुबह सुबह मैं उठा, जिम गया, देन बाइक सर्विस पर डाल के आया हूँ, नाश्ता किया। और बाइक अपन को मिल जाएगा एक दो बजे, फिर शायद अपन कहीं चलते भी है घूमने आज, क्या बोलती है? मौसम अच्छा रहा तो चलेंगे, क्योंकि बारिश होने लगती है ना फिर बाइक पे मजा नहीं आती, कार होती तो अच्छा लगता। पूरे भीन जाता यार, इसके लिए हमें कार लेनी पड़ेगी। कोई नहीं, कार भी लेंगे आपका सपोर्ट रहा तो, डोंट वरी। और गाइस गाइस आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो एकदम? कैसे क्या रहे आपके जो भी है मंथ? मैंने ब्लॉग बहुत काफ़ी दिनों बाद शूट किया है और अब आई थिंक कंटिन्यू रहेगा। एक आध दिन नहीं आया तो प्लीज़ गुस्सा मत करना आप लोग। एक आध दिन नहीं आया, कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू। 6 तारीख को तो शिवानी जा रही है यार। कोई नहीं, मैं थोड़ा बहुत अपने ऑडियंस के साथ कंटिन्यू रहूँगा, शेयर करता रहूँगा कुछ ना कुछ, खुशी अपनी शेयर करता रहूँगा खुशी। खुशी होने की बात ही है यार। सो गाइस मिलते हैं एकदम, पहले तो सबसे मिलते क्या है, ये देखो ना, ये पंखा देखो भी आपको दिखा। अरे तो मुझसे क्या बोला, आप जब संडे को फ्री हो तो आप साफ करना बोलो। अरे तो फिर क्या मतलब, आप नहीं कर सकते, आपका काम नहीं है। हाँ दोबारा एयर वॉश कर लेना, लेकिन पंखा साफ कर दो। देखो आज मेरे से मेरी हाइट नहीं है, कितना गंदा पंखा कर दिया उनको शिव। मैं हम लोग तो दिन में चलाते हैं, मैं तो ऑफिस रहता हूँ पूरा, कितना गंदा कर दिया और साफ भी नहीं कर रही है, बोलो कामचोर। हाँ तो इसको मैं साफ कर लेता हूँ, ये करेगी नहीं बिकॉज ये तो चली जाएगी 6 तारीख को, अपन को इसमें रहना है, अपन को साफ करना है, तो अपन कर लेते हैं इसको। तो इसको एकदम चकाचक क्लीन करके मिलता हूँ आपसे। ओके, मैं थोड़ा चेंज है तो देखो आज पंखा साफ कौन कर रहा है,
शिवानी शिवानी आपका क्या कहना है, आप पंखा साफ करते हो, आपको कैसा फीलिंग आ रही है? सही से कर ही नहीं पा रहे थे साफ आप। कौन? मैं तो अच्छी तरह कर रहा था, लेकिन इसने बोला कि आप मतलब मेरी हेल्प कर रही थी, बोला आप मत करो मैं कर देती हूँ। मैंने बोला थैंक यू सो मच। हाँ देखो कितना केयर करती है मेरा, है ना, कितना केयर करती है और कितना झूठ कितना झूठ बोल रही है। अच्छा हो गई, बोले भुट्टा खाना है मुझे, मैंने बोला रिटर्न आते तब खाते हैं। आते वक्त हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था गांधीनगर की, गांधीनगर अहमदाबाद की कैपिटल गांधीनगर। और ये देखो यहाँ पर मतलब ग्रीनरी, गांधीनगर बहुत फेमस है ना गाइस तो ग्रीनरी के लिए। गांधीनगर जैसे ग्रीनरी अहमदाबाद गुजरात की कोई सिटी में नहीं है, मैं बोलता हूँ उसी के कारण अपनी गांधीनगर ग्रीनरी, साफ सफाई। और ये यहाँ पर अभी देखोगे आप अमूल डेयरी आएगी, अमूल डेयरी का यहाँ पर प्लांट है इधर अंदर, इसके अंदर दिखाए देखो सामने अमूल डेयरी, ये गेट है इसका यहाँ पर। और अभी अपन जा रहे हैं नर्मदा कैनाल, कैनाल ही बोलते हैं, नर्मदा ही होता है यहाँ पर, नर्मदा कैनाल ही है वो, तो वहाँ पर जाते हैं थोड़ा। अरे तो अभी हम लोग आ चुके हैं कैनाल पे, तो आगे देखो भाई इस कैनाल आने वाली है। ये ऑटो वाला क्या कर रहा है भाई बीच में रॉन्ग साइड पे, वो भी भाई चालान काटना पड़ेगा इसका। और ये बाबा खड़े हैं यहाँ पर बस की राह देख रहे हैं। और यहाँ पर मौसम मतलब एक अलग ही लेवल पे, ज़बरदस्त लोग आ रहे हैं। यस इस साइड बंद है क्या? नहीं इस साइड चालू है, इस साइड भी चालू ही है ना। तो ये है गाइस नर्मदा कैनाल, वाओ अमेजिंग नज़ारा। कबूतर कितने सारे देखो यहाँ पर दाना चुन रहे हैं, ये उड़ गए यार, उड़ा दिए हमने इनको, सॉरी भाई सॉरी। पानी कम लग रहा है यार, इतनी सारी बरसात हो गई फिर भी पानी इसमें इतना ज़्यादा नहीं है। ऐसे वो अपने पिछली बार तब भी इतना ही था ना? नहीं बहुत ज़्यादा था इससे, ऊपर था, पानी कम हो गया यार। बहुत 15 दिन से कंटिन्यू गाइस बरसात हो रही है, और गाइस फिर भी पानी इसके अंदर कम है, बोलो जाता रहे पानी पता लगा। नहीं कैनाल का पानी घरों में ही आता है, फिल्टर होके ध्यान रखना हमेशा। यस और गाइस आपको बता दूं आज मैं कर रहा हूँ मोटो व्लॉगिंग। ये देखो मिरर में आप लोगों को दिख रहा होगा, हेलमेट पे गोप्रो लगा के, पहली बार गोप्रो मतलब मैं हेलमेट पे लगा के बाहर निकला हूँ मोटो व्लॉगिंग करने के लिए। व्हाट्सअप शिवानी सामने आई है जी, शिवानी तो सामने ही नहीं आ रही, देखो पीछे पीछे भग रही है। ऐसा नहीं है तो नज़ारा देख के अच्छा लग रहा है, पानी इतना साफ है। तो डूब जाओ, कूद जाओ, कूद जल्दी जल्दी, कूद जल्दी, कूद जल्दी, कूद, कैमरा चालू है, जल्दी कूद। अच्छा व्लॉग बन जाएगा, फिर पब्लिसिटी मिल जाएगी आपको, वो नहीं चाहती मैं भी, पब्लिसिटी मिल जाएगी। एंड गाइस क्या हुआ, यहाँ पर कुछ लगाएंगे वो लोग, इसलिए देख सब जगह लगा, सब जगह गड्ढा है, देख सब जगह, यहाँ पर भी है कुछ लगाएंगे ये लोग आई थिंक यहाँ पर। तो गाइस आप लोग अभी कभी आओ यहाँ पर अहमदाबाद मतलब गांधीनगर घूमने, तो यहाँ पर भी आना, यहाँ पर भी अच्छा मतलब यहाँ पे एकदम हर एक ग्रीनरी अच्छी और शांति अच्छी है यहाँ पर। लोग काफ़ी सारे बैठते को सामने बैठे हुए हैं, उधर कपल्स भी आते हैं बहुत सारे यहाँ बैठने के लिए, और रिवर फ्रंट पर तो जाता ही है, वो तो बहुत फेमस ही है अहमदाबाद का कपल्स के लिए। क्या लगा हुआ है खाली, क्या ये? अच्छा उस साइड तार नहीं लगे ना? नहीं लगे हुए। हाँ उस साइड तार नहीं लगे, इस साइड तार लगे। हाँ राइट राइट राइट, कोई नहीं चलो उस साइड चलते अपन, उस साइड चले, एक बार देखते हैं कैसा है। यस उस साइड चलते हैं, बैठो। मोटो व्लॉगिंग करके गाइस आज बहुत मज़ा आ रहा है, बस सुपर बाइक की कमी थी, अपने पास नॉर्मल बाइक है, सुपर बाइक होती तो और मज़ा आता मोटो व्लॉगिंग में। और थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम होगी बिकॉज मेरे पास अभी माइक अडेप्टर है नहीं है, तो वॉइस थोड़ी आ सकती है, तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा मतलब अभी थोड़ा मेरे को महीना ऐसा, एक महीना ऐसा लगेगा मैं माइक अडेप्टर भी ले लूँगा, तो फिर मेरी वॉइस एकदम को क्लियर आएगी मोटो ब्लॉगिंग पे।
अभी चलते हैं अपन इधर से घूम के उस साइड और वहाँ से दिखाते हैं आपको। तो भाई यहाँ पर तो रास्ता बंद है, हम लोग वहाँ से आए, यहाँ से घूम के आए, तो देखो यहाँ पे भी लगा हुआ है। अब उस साइड हम लोग जा नहीं सकते। अब क्या करें शिवानी? पड़ेगा अब क्या करें? वापस उसी रास्ते पीछे जाना पड़ेगा। तो अब अपन इधर चलते हैं, इधर साइड से आगे देखते हैं आगे चल के क्या है, रास्ता है कि नहीं है। यहाँ पर अभी काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चालू है यहाँ पर अहमदाबाद मेट्रो, मेट्रो का ब्रिज बन रहा है देखो ऊपर। तो फाइनली दूसरी साइड से हम लोग आए, यहाँ पर हमें रास्ता मतलब बंद नहीं मिला और इधर से हम जा रहे हैं अंदर। तो देखिए मस्त बाइक पार्क करके बैठते हैं और कुछ बातचीत करते हैं आप लोगों से। एक्चुअली जाने का प्लान हमारा मंदिर था, वो भी सिद्धिविनायक मंदिर, पर आज बाइक में सर्विस करा के लाया तो पता नहीं उसमें कुछ दिक्कत आ रही है। आई थिंक मैं उसको मतलब बोलते हैं ना एक्सीलेटर दो तो छोड़ रही है, एक्सीलेटर छोड़ रही है, धक्के मार दिए गाड़ी, झटके मार रही है। तो और मेरे घर से मतलब सिद्धिविनायक टेम्पल है आई थिंक 35 किलोमीटर अराउंड। सो मैंने बोला कि अगर रास्ते में कहीं बिगड़ गए ना तो हालत ख़राब हो जाने वाली है अपन की, क्या करेंगे हम लोग, 20 रस्ते में अटक जाएंगे। तो हमने सोचा कहीं नहीं थोड़ा आजू बाजू घूम लेते हैं, थोड़ा शाम को एंजॉय कर लेते हैं, बिकॉज संडे को ही मिलता है अपन को एंजॉय करने के लिए। बाकी दिन तो ऑफिस, ऑफिस से घर, देन सुबह सो के फिर ऑफिस। शिवानी का अच्छा है ना घर पर रहना, मस्ती करना पूरे दिन। कोई आपको लगता है घर में बहुत सारे काम होते हैं? क्या काम होता है? रोटी बनानी है तो मेरे गाइस रोटी बनाती है ना, रोटी है सुबह ही सुबह बना लेती है, 10 बजे तक तो सब इसका रेडी हो जाता है। मैं खुद लंच लेके जाता हूँ। पार्लर कौन जाता है? पार्लर जाते हो? पार्लर पूरे दिन पार्लर में, ऑफिस 7 बजे, ऑफिस खाना बनाओ। शिवानी ने शेयर किया था शिवानी पार्लर जाना शुरू कर दिया शिवानी ने। कोर्स कंप्लीट मतलब होने में भी मेरे को टाइम लगेगा, बट स्टार्ट कर दिया है मैंने। और शिवानी घर पे भी जाने वाली है ना? वाह वाह। 6 तारीख को मेरा टिकट है यहाँ से, 2 तारीख को मेरे भाई का टिकट है, वो आ रहे हैं यहाँ पे, और एक सरप्राइज है इनके लिए। मेरे लिए सरप्राइज है? सही बताओ। बहुत बड़ा सरप्राइज है क्योंकि जिस हिसाब से आप बोलते हो ना वो चीज इस बार होने वाली है। देखते हैं तो क्या होने वाला है, बता कुछ हिंट वगैरह दे दो यार। मैं क्यों हिंट दूं ना, कुछ तो हिंट दो यार, कंफर्म हो जाएगा ना, इसलिए हिंट नहीं देना। तो व्लॉग में देखिए क्या इनके लिए सरप्राइज है और इनका फेस कैसा होने वाला है। ओके लेट्स सी, देखते हैं। वैसे भी आज तारीख कितनी, 31 हो गई है अभी, 31 तीन दिन बाकी है, बंद हो गया। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30 और अपन जा रहे हैं अब घर पे। तो यहाँ पर काफ़ी देर हम लोग बैठे बातचीत करी, रील्स भी बनाई शिवानी ने बहुत सारी, और अब चलते हैं घर पे। और शिवानी भुट्टे खाने हैं तुम्हें? हाँ, शिवानी को भुट्टे खाने हैं तो आगे वहाँ पर भुट्टे की रेडी है, तो वहाँ पर रोकते हैं और भुट्टे खाते हैं। मुझे इतना शौक़ नहीं भुट्टे का, शिवानी को शौक़ ज़्यादा है। हाँ हाँ, तो मोटर ब्लॉगिंग में मज़ा बहुत आ रहा है गाइस। तो गाइस हमारी भुट्टे की शौक पीछे निकल गई थी, तो हम लोग वापस पीछे आए, यहाँ पर खाते हैं भुट्टे। क्या रेट है शिवानी पूछ लेना? 30 कैसे दिए भैया? सिक्के वाला तो बॉयल है, बॉयल है, सिक्के वाले हैं, बॉयल खाना है, बॉयल वाले खाने हैं। बॉयल वाले कैसे दिए आपने? बाउल में लेने? बाउल में हाँ, बॉयल खाने में मजा आती है, खाए बॉयल स्वीट कॉर्न टाइप है। हाँ तो गाइस यहाँ पर खाते हैं भुट्टे, अभी बॉयल स्वीट कॉर्न, यम्मी होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। मैंने कहा खाए थे? हाँ मैंने लास्ट टाइम खाए थे, वो सोम भैया आए थे ना तब थिएटर में खाए थे। मैंने लास्ट टाइम खाए थे मेट्रो में, ये भैया ने निकाल दिए उसमें से। कटर जोरदार है, हाल निकल जाता है।
हाउ इज द टेस्ट ऑफ स्वीट कॉर्न? अच्छा है, यम्मी, बहुत ज़्यादा। लेमन के साथ तो और टेस्टी लगते हैं। गाइस स्वीट कॉर्न रोड साइड काफ़ी टेस्टी है, मौसम में मज़ा आ रहा है। तो मुझे खिलाओगे? तो मुझे माउंट ही उतारना पड़ेगा पूरा हेलमेट वगैरह। तो गाइस आप लोगों से मिलता हूँ उसको फिनिश करके, बिकॉज मुझे हेलमेट उतारना पड़ेगा। ओके, बैठो। चलो ए गाइस, तो अभी चलते हैं अपन घर पे। और ये व्लॉग को भी मैं गाइस यहीं पर एंड कर रहा हूँ, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 15-16 मिनट की वीडियो हो जाएगी गाइस। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा, मेरा फर्स्ट मोटो व्लॉग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट की हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।